प्यारे बच्चों, हमने कल लिंग के बारे में पढ़ा, लिंग की परिभाषाएं, उनके भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषाएं तथा उदाहरण के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अभ्यास प्रश्न भी किए थे। आज हमें अभ्यास प्रश्न ही करने थे। हमने पहला वाला अभ्यास प्रश्न कर रखा है, फिर से एक बार दिखा देते हैं, इसको दोहरा लेते हैं। सेठ का सेठानी, शिक्षक शिक्षिका, राजा रानी, पिता माता, कुत्ता कुतिया, लड़का लड़की। तो ये हमने पुल्लिंग दिए हुए थे, उनका स्त्रीलिंग रूप लिखा। आगे चलते हैं, अब इसका ठीक उल्टा। अब हमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है, अब उसका पुल्लिंग में बदलना है उसको। तो पहला उदाहरण हल कर रखा है, क्या है? बकरी। बकरी का पुल्लिंग बकरा होता है। गायिका, गायिका क्या होती है? जो लड़की या जो महिला, जो औरत गाना गाती है उसको गायिका कहते हैं। अगर कोई पुरुष या लड़का गाना गाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको गायक कहते हैं, गायक। तो हमें गायक लिखना है। उसी तरह अगला है मोरनी। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? वो होगा मोर। उसी तरह बेटी का बेटा, दादी का दादा, नौकरानी का नौकर। तो ये हम लोग लिखते हैं, आपको हल करवा ही देते हैं इसको। गायक, गायिका, गायक। मोरनी, मोर। बेटी, बेटा। गायिका, गायक। मोरनी, मोर। बेटी, बेटा। आगे चलते हैं, दादी, दादा। नौकरानी, नौकर। नौकरानी का नौकर, दादी का दादा। बहुत ही आसान है। अब आगे तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। सही के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो सही के आगे हम लोग रामलाल, देखो रामलाल लिखा है, रामलाल ने टोपी पहनी। तो हमें क्या, रामलाल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जो बच्चों, जो शब्द रंग में दिया हुआ है, जो नीले रंग में दिख रहा है, हमें वो बताना है कि उसका लिंग क्या है। तो तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, जो नीले रंग में शब्द है उसका लिंग हमें बताना है कि वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो रामलाल किसी पुरुष का नाम है,
तो रामलाल ने टोपी पहनी, तो रामलाल क्या है, स्त्रीलिंग है? नहीं, ये गलत है, तो हमें इसको क्रॉस का निशान लगाना है। इसको हल करते हैं, तो ये गलत है, रामलाल पुल्लिंग होना था। धोबी गांव चला गया, क्या लिखा है आगे, स्त्रीलिंग, ये भी गलत है। धोबिन गांव, धोबिन होता तो स्त्रीलिंग होता, धोबी तो पुल्लिंग है, तो रामलाल भी पुल्लिंग था, धोबी भी पुल्लिंग था, इधर स्त्रीलिंग लिखा, तो इसको भी हम लोग गलत करते हैं। अगले पे चलते हैं। ग, पिताजी सो रहे हैं, पिताजी क्या है, पुल्लिंग, सही है, हम जानते हैं पिताजी पुल्लिंग है, माताजी स्त्रीलिंग होती, तो ये तो सही है। अगला है, किताब मेज पर रखी है, ये गलत है। मैंने बताया कि, मैंने कल आपको बताया था कि अप्राणवाचक, अप्राणीवाचक चीज़ें क्रिया से पता चलती है, ठीक है। किताब मेज पर रखी है, ये किताब स्त्रीलिंग होता है, ये हमें कैसे पता चला, क्रिया से पता चलता है। किताब रखी जाती है, तो जब रखी है तो ये स्त्रीलिंग होगी, किताब क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, तो ये गलत लिखा है, इसको हम लोग सही कर देते हैं। किताब मेज पर रखी है, ये स्त्रीलिंग होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, ठीक है बच्चों। किताब मेज पर रखी है या स्त्रीलिंग है, हमें कैसे पता चला, हमें अप्राणीवाचक शब्दों से पता चलता है, जब वो उसकी क्रिया से पता चलता है, ठीक है। क्रिया अगर रखी है तो किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये गलत है। किताब मेज पर रखी है तो ये स्त्रीलिंग होना चाहिए था, क्रिया से हमें पता चला कि ये तो स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लिखा पुल्लिंग है, तो ये गलत है, हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। दूसरा शब्द, दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, रंगीन शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। पुनः मतलब दोबारा पूरा वाक्य लिखना है, उसका लिंग बदल देना है। पहला करके रखा हुआ है, पहला करके दिखाया है, तो बच्चों पहला क्या करके रखा हुआ है, ध्यान से देखो, रंगीन शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। पुनः मतलब दोबारा, लड़का खेल रहा है, तो इसमें हमें लड़का का लिंग चेंज कर बदल दिया, लड़की खेल रही है, तो देखा क्रिया भी बदल जाती है। हमने क्या देखा, केवल शब्द नहीं बदला, जो रही है, रहा है, रही है में बदल गया, तो लड़की खेल रही है। दूसरा प्रश्न करना है हमें, बकरा घास खा रहा है, बकरा घास खा रहा है, तो पहले बकरा शब्द है उसका लिंग बदलेंगे तो बकरी हो जाएगा, तो बकरी घास खा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा वाक्य लिखना है बच्चों, इस पे छोटा छोटा लिखना है, तो लिखेंगे बकरी घास खा रही है, हाँ, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्रिया भी बदल जाता है, रहा है, रही है में बदल गया, तो बकरी घास खा रही है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, माली फूल चुन रहा है, तो माली का हमको लिंग बदलना है। माली का लिंग बदलेंगे तो मालिन हो जाएगा, मालिन। वाक्य कैसे बदल जाएगा, माली फूल चुन रहा है तो लिखेंगे मालिन फूल चुन रही है। बहुत ही सरल है, मालिन फूल चुन रही है। लिख के देखते हैं, तो मालिन फूल चुन रही है, क्रिया भी बदल गया और संज्ञा शब्द जो है माली उसका हमने लिंग बदला, तो माली मालिन में बदल गया, फूल चुन रही है तो मालिन फूल फूल चुन रही है। अगले पे चलते हैं। नौकर सब्जी ला रहा है, नौकर सब्जी ला रहा है, तो नौकर का क्या होगा, नौकरानी। हाँ सही, आपको याद है नौकर का होता है नौकरानी, तो नौकरानी सब्जी ला रही है। इसको कैसे लिखेंगे, नौकरानी सब्जी ला रही है, तो लिखने का काम करते हैं हम। नौकरानी सब्जी ला रही है, नौकरानी सब्जी ला रही है। तो ये प्रश्न भी हमने कर लिया। हाँ, लिंग के अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग करिए, तो इसमें हमें सही क्रिया का प्रयोग करना है। अगर लिंग पुल्लिंग होगा तो जैसे हम पता है पुल्लिंग के हिसाब से क्रिया लगाएंगे, अगर लिंग स्त्रीलिंग हो गया तो हम क्रिया भी स्त्रीलिंग के हिसाब से लगाएंगे। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न, आपको लिखना है और टिक भी करना है कौन सा सही है। तो हमारा पहला वाला प्रश्न है, लिंग के अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग कीजिए, लिंग के अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग कीजिए। ठीक है, लड़का डैश है, तो लड़का खेलता है कि खेलती है, तो क्रिया के हिसाब से खेलती खेलता है, लड़का है ना, लड़का है तो खेलता है। जरा इसको हम लोग तो ठीक करेंगे, खेलता है, लड़का खेलता है। ख ख है, नौकर दूध डैश है, नौकर क्या है, पुल्लिंग होता है, अगर पुल्लिंग है तो लाता है, नौकर दूध लाता है।
तो हमने इसको पुल्लिंग के हिसाब से लिखना है, नौकर दूध लाता है। आगे चलते हैं, ग कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो कुम्हार क्या है, पुल्लिंग है, जब पुल्लिंग है तो बनाएगा, बनाता है कि बनाती है, तो बनाता है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। आगे चलते हैं, धोबी कपड़े डैश है, धोबी कपड़े धो रहा है। तो इसमें कौन सा सही है, धोबी क्या है, हमें पता है धोबी पुल्लिंग है, जब पुल्लिंग है तो कपड़े धो रहा है। तो लिखते हैं हम लोग, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। गायिका गीत है, गायिका गीत गा रही है। हमें पता है कि गायिका स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग जब है तो क्रिया क्या होगी, गा रही। सही कहा, तो गायिका गीत गा रही है, गायिका गीत गा रही है। एक बार इसको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, दोहरा लेते हैं हम लोग। लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, नौकर दूध लाता है, नौकर दूध लाता है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। घ धोबिन कपड़े धो रही है, धोबिन कपड़े धो रही है। इसको हम लोग सही कर लेते हैं बच्चों, धोबिन कपड़े धो रही है, ये हमने शायद गलत निशान लगा दिया है, इसको सही कर लेते हैं। धोबिन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो धो रही है। फिर से देखो, धोबिन एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो धोबिन कपड़े धो रही है, ठीक है। धोबी पुल्लिंग होता है, वो धो रहा है, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, इसको ज़रा सुधार लेना चाहिए। धोबिन कपड़े धो रही है, तो हमें क्या लिखना है, धो रही, ठीक है। इसको लिख भी देता हूँ मैं, धोबिन कपड़े धो रही है, गायिका गीत गा रही है, ठीक है। तो आखिरी वाला घ और अंग जो है ये स्त्रीलिंग है, धोबिन और गायिका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, क्रियाकलाप। ये जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन हैं, क्रियाकलाप वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, ये अभी बहुत कम बच्चों ने करके दिखाया है इसको। इसको आपको क्या करना है, मैं फिर से समझा देता हूँ। आपने जो पशु पक्षी देखे हैं, ये क्रियाकलाप में क्या करना है, उनमें से किन्हीं पांच के चित्र चिपकाकर नाम लिखो तथा बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सबसे पहले आपको पांच चित्र चिपकाने हैं पशु पक्षी के, कुछ भी हो सकती है, जैसे गाय हो गई, शेर का मिल गया आपको, हाथी का मिल गया,
चिड़िया का मिल गया, ठीक है। तो आपको पहले चित्र चिपकाने हैं, कितने? 5। स्पेस दिया हुआ दिख रहा है स्पेस, तो पहले 5 चित्र चिपकाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 5 चित्र चिपकाओ और फिर हमें बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ठीक है। तो पहले कैसे सूची बनानी है, पहले 5 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है। उसके बाद 5 चित्र कहाँ से मिल सकते हैं, न्यूज़पेपर से मिल सकता है, कहीं कहीं पिक्चर से मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे महात्मा गांधी का चित्र मिल गया, जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो पुल्लिंग लिखना है, ठीक है। एक चिड़िया का चित्र मिल गया तो स्त्रीलिंग लिखना है। अगर मोर का चित्र मिल गया, मोर नाचता हुआ मोर, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको पुल्लिंग लिखेंगे, पुल्लिंग, ठीक है। तो इसी तरह हमको मछली, अगर मछली है तो क्या है, मछली पानी में तैरती है तो क्या है, स्त्रीलिंग है ना, हाँ, तो स्त्रीलिंग लिखना है। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखने हैं, उसके बाद आपको 5 चित्र चिपकाने हैं और उसके बाद स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये 2 लिखना है, स्त्रीलिंग लिखना है या पुल्लिंग, समझ आया सबको, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो ये था हमारा, ये क्या था हमारा, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप वाला प्रश्न हमको करना है। तो आज हमने क्या क्या किया, अपने अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। आज हमने सबसे पहले स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदला, दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया, चलो एक बार दोहरा भी लेते हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने पहले प्रश्न में स्त्रीलिंग को, अरे पुल्लिंग पहले दिया हुआ था, उसको स्त्रीलिंग में लिखा, जैसे सेठ का सेठानी, शिक्षक शिक्षिका, राजा रानी, पिता माता, कुत्ता कुतिया, लड़का लड़की किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ था उसको पुल्लिंग में बदल दिया। तो पहला वाला बकरी बकरा, गायिका गायक, मोरनी मोर, बेटी बेटा, दादी दादा, नौकरानी नौकर। उसके बाद हमने देखा कि कौन सही है और कौन गलत है। रामलाल पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग लिखा था, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि रामलाल स्त्रीलिंग ये गलत है, धोबी गांव चला गया ये भी गलत है, धोबी पुल्लिंग होता है, पिताजी सो रहे हैं ये सही था, किताब मेज पे रखी है ये गलत है, ये स्त्रीलिंग था। तो ये हमने देखा किया। उसी तरह अगला रंगीन जो शब्द था उसका लिंग बदल के लिखा, लड़का खेल रहा है तो इसका हमने क्या लिखना था, लड़की खेल रही है। दूसरा प्रश्न था बकरा घास खा रहा है तो इसको लिखेंगे बकरी घास खा रही है। फिर हमने किया माली फूल चुन रहा है, हमने क्या लिखना है, मालिका मालिन फूल चुन रही है, नौकर सब्जी ला रहा है, स्त्रीलिंग करेंगे नौकर का, नौकरानी सब्जी ला रही है। फिर पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न
हमें सही क्रिया लिखनी थी लिंग के अनुसार। तो लड़का खेलता है, नौकर दूध लाता है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, धोबिन कपड़े धो रही है, गायिका गीत गा रही है। तो ये हमने सही करके लिखा। और आपका जो गृह कार्य है, ये गृह कार्य आपको करना है। ये गृह कार्य क्या है, जो एक क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, जितने भी पशु पक्षी के चित्र मिले हमें 5 चित्र काट लेने हैं छांट के। कहाँ से मिल सकते हैं, कहीं ओल्ड मैगजीन में मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। अगर सोच लो मिलते ही नहीं हैं तो क्या करोगे, तो बना भी सकते हो आप। एक ऑप्शन मैंने ये भी दे दिया कि आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो 5 पशु पक्षी चिपकाने हैं और उनका नाम लिखना है। जैसे नाम अगर आपने गाय लिखा तो गाय के बाद में ये बताना है कि गाय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आपने मोर का चित्र चिपकाया या मोर का चित्र बनाया, उसके बाद आप लिखेंगे मोर। अब बताना है कि मोर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हमें पता है कि मोर क्या है, पुल्लिंग, तो आगे पुल्लिंग लिखें। तो ये पूरा स्पेस दिया हुआ है बच्चों, आधा आधा पेज दिया हुआ है, इसमें आराम से बन जाएगा हमारी। 5 चित्र चिपक जाएंगे, 5 के नाम लिख जाएंगे और 5 का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा गृह कार्य है। ये करने के बाद जो इसका फ़ोटो क्लिक करोगे और मेरे ईमेल आईडी पे भेज दोगे। ईमेल आईडी मैंने अपने स्नैप होमवर्क में भी डाल रखा है और व्हाट्सएप में भी डाल रखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका स्नैप खींच के मुझको चेक करने के लिए भेजना है। और कल से हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। हमारा ये चौथा पार्ट बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको मिलेगा, अभी हमने लिंग किया, वचन किया, कारक किया, संज्ञा है, ये लेसन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब हम लोग कल करेंगे वचन, लेकिन वचन से पहले हमें ये क्रियाकलाप वाला आपको चित्र भेजना है लिख के। इसके बाद हमें अपना पूरा पाठ करने के बाद, हम चौथा पाठ करने के बाद फिर हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक पे भी आ जाएंगे। इसमें अभी लिंग है, कारक है और फिर अपना ज्ञान परखो है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लेसन बड़ा है, इस विज्ञान व्याकरण का। हम लोग परिभाषाएं भूल जाते हैं, ठीक है ना। जब भी हम ग्रामर का काम करते हैं तो परिभाषाएं हम लोग भूल जाते हैं। परिभाषाएं याद रखनी है, उदाहरण सहित लिखनी भी है। तो चलो आज लिंग का परिभाषा दोहरा लेते हैं, कुछ समय बचा है। शब्द के जिस रूप चिन्ह से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं बच्चों उदाहरण के साथ। पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, पिता, मामा, लड़का, शेर आदि। स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा, स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, माता, मामी, लड़की, शेरनी आदि। तो हमको
परिभाषा याद करनी है और अपना क्रियाकलाप वाला प्रश्न स्वयं करना है। अधिकतर तो प्रश्न मैं ही कर दे रहा हूँ, तो ये वाला क्रियाकलाप आपको करके मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करना है, यही आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।